अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खत्मुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबी अजमईन सदकल्लाहु अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम असातिज़ा इकराम, पिंडाल में मौजूद मादेस असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम। आज जो बहस चल रही है वो है सीनियरिटी। मेरे दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि सीनियरिटी नाम की कभी भी कोई भी चीज़ नहीं हुई है, मैं उसका मुतासर हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तंजीम काम नहीं करती है, तंजीम काम करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन जहाँ तंजीम के मरकजी उहदेदारान अपना फ़ायदा सोचते हैं, ज़ाती मफाद सोचते हैं, वहाँ जाकर वो अपने मफाद को मद्दनज़र रखते हैं। ये असातिज़ा जिन्होंने वोट दिए होते हैं उनको कोई मद्दनज़र नहीं रखता, ये हकीकत है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मैंने 88 में बीएड किया, उस वक़्त जो रूल्स था कि जो भी चूँकि बीएड जो ही लोग करते थे वो प्रमोट सीनियर हो जाते थे। पास का ये भी हुआ कि उससे पहले कि सिंपल बीए भी लिए गए, तो जब तंजीम के सरकर्दा लोगों ने देखा कि हमारा नंबर नहीं आएगा, 88 में जब मैंने बीएड किया मेरा छठा नंबर था, उसके बाद क्या कहा गया कि जिसने सीटी पहले की है वो पहले बी है, वो पहले सीनियर होगा। हालांकि उसके अभी उसने बीएड नहीं किया किसी ने भी, जब मौजूद पोस्ट मौजूद है बीएड के लिए और बीएड उम्मीदवार आपके पास मौजूद है तो फिर वो प्रमोट होना चाहिए, वो जे सिटी का इंतजार करना चाहिए। आप ये बताएं ज़रा, बीएड वाला होना चाहिए इतना, लेकिन नहीं हुआ। मैं 6 नंबर से 106 पर चला गया, आते रहे किस तरह होता रहा। इसमें सिर्फ तंजीमी जो लोग होते हैं बड़े उनका भी हाथ नहीं होता, उनमें क्लर्कशे भी मौजूद होती है, वो भी इन्वॉल्व होती है। वो क्या करते हैं कि मेरा दोस्त है जी, इसका बीएड का रिजल्ट आने वाला, थोड़ी सी सीनियरिटी को लेट कर दें, ये होता है। तो 106 नंबर पर चला गया और 19 साल मैंने सफ़र किया, जहाँ मैं 88 में प्रमोट होना था मैं 2003 में प्रमोट हुआ। तंजीम के लोग जो भी हैं, हमारे भाई हैं, आप लोगों ने वोट दिए, आप लोगों में से हैं, आप में से हैं, आप लोग भी उनमें नुमाइंदे हैं, लेकिन ये याद रखें कि जिस काज के लिए आप निकलते हैं उस काज को मद्देनज़र रखें कि उस्ताद का इस्तकाक मुजरू ना हो। होता यह है कि जहाँ ज़ाती फ़ायदा देखा जाता है वहाँ पर और रूल बन जाते हैं और जब दूसरे का आता और बन जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आज का जो एजेंडा है इसमें है कि सीनियरिटी तारीख़ तकर्री से होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इसका हमायती हूँ। जो लोग पहले जिनका तकर्र हुआ है वो पहले प्रमोट होने चाहिए, सीनियरिटी होनी इस तरह चाहिए, वगैरह तो सीनियरिटी जो है वो स्टेबल ही नहीं रहती है। कल ये जो पुराने लोग हैं इनका कसूर क्या है? कसूर यह है कि ये पहले पर्दी हो गए, इन पहले खिदमात अपनी दी हैं और खिदमात देने का सिला ये है कि इनको पीछे करते जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी भरपूर हमायत करता हूँ कि सीनियरिटी जो है वो डेट ऑफ तकर्री से होनी चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वमा अला इना इल्ला बिल्लाह।